हेलो मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब, आप सभी को आरके हॉट स्पॉट स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिद्धू कान्हू और उनके दो भाई चांद भैरव जी के बारे में पूरे डिटेल से, और जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किए थे। तो किनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? सिद्धू कान्हू एवं चांद भैरव। सिद्धू कान्हू, इनके दो भाई थे चांद और भैरव। चांद भैरव, इनका जीवन काल प्रारंभ होता है 1815 ईस्वी से और समाप्त होता है 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी, मतलब इन लोगों का जीवन काल मात्र 41, मतलब 41 वर्ष का था। इन लोगों ने 41 वर्ष में ऐसे ऐसे कार्य किए जो बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने नहीं किए थे। तो चलिए हम लोग इनका फुल डिटेल्स देखते हैं। तो चलिए सीधा नजर डाल रहे हैं हम लोग बोर्ड पे और लिखते हैं। तो सिद्धू का जन्म हुआ था, सिद्धू जिसको सिद्धो भी कहा जाता था, सिद्धो, इनका जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में, एवं कान्हू का जन्म हुआ था, जिसे कान्हो भी कहा जाता था, का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में, और एवं चांद का जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था हमारा 1825 ईस्वी में, एवं भैरव का जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग इससे आगे देखेंगे कि ये लोग क्या किए थे। तो वर्ष 1855 56 ईस्वी में हुए, कब? वर्ष 1855 ईस्वी में हुए संथाल, पित्रों के नेतृत्व, ये चारों भाई ने किए थे। कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में, जिसे हम लोग हुल विद्रोह भी कहते हैं। हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह के ही हम लोग हुल विद्रोह कहते हैं। हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह को ही। कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। तो इससे आगे पॉइंट चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह विद्रोह किनके खिलाफ था? तो यह विद्रोह था अंग्रेज, जमींदार और साहूकार के खिलाफ था। तो उस समय संथाल के लोगों को अंग्रेज,
जमींदार साहूकार अत्यंत प्रताड़ित करते थे, अत्याचार करते थे। इसलिए ये चार भाइयों ने निर्णय लिया था कि हम लोग इनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, इनके खिलाफ अंग्रेज जमींदार और साहूकार इन जैसे लोग और इत्यादि लोग थे जिनके खिलाफ भी विद्रोह किया गया था। तो विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये विद्रोह सबसे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम लोग मिटाते हैं, वर्ड पे जगह नहीं इसलिए। तो 30 जून 1855 ईस्वी को भगना डी मतलब संथाल परगना संथाल परगना कहाँ हुआ था, तो 30 जून 1855 ईस्वी को भगना डी संथाल परगना के मतलब के जैसे कि के जिला अंतर्गत, संथाल परगना के जिला अंतर्गत, जिला जिला के अंतर्गत, जिला अंतर्गत राजमहल सब डिवीजन के इलाकों के मध्य मतलब देखिए 30 जून 1855 ईस्वी को भगनाडीह मतलब संथाल परगना जिला अंतर्गत राजमहल सब डिवीजन के दामिन एकोह के इलाकों के मध्य बढ़हैत के निकट मुर्मू बंधुओं का गांव, बढ़हैत के निकट मुर्मू बंधुओं का गांव जो मतलब कि इन लोगों का गांव कहाँ था, बढ़हैत जो है वो गांव में सिद्धू कान्हू चांद भैरव लोगों का गांव था। जो इसी गांव में एक सभा रखा गया था जिसमें 6000 संथाल लोग एकत्रित हुए थे मतलब 6000 कहाँ पे एकत्रित हुए थे, तो सिद्धू कान्हू लोग का जो गांव था वहाँ पे 6000 संथाल लोग एकत्र हुए थे और एक स्वर में कहा था हो, मतलब एक स्वर में कहा था हुल, एक स्वर में कहा था हुल 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 करते थे, जिसको हम लोग आज
हुल विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, संथाल विद्रोह को। यही हुल हुल कहने के कारण वे लोग विद्रोह किया करते थे, हुल विद्रोह इसलिए जानते हैं, हुल कह के विद्रोह किए थे, हुल कह के विद्रोह किए थे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, नहीं तो अगला पॉइंट चलिए हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है, इसी सभा में सिद्धू को राजा और कान्हू को क्या बनाया गया था? तो कान्हू को बनाया गया था मंत्री, मतलब इसे मंत्री चुना, कान्हू को मंत्री चुना गया था, एवं इनके दो भाई कौन कौन बचे? चांद और भैरव को इसी सभा में। तो चांद को प्रशासक चुना गया था, चांद को प्रशासक और भैरव को, चांद को प्रशासक और भैरव को चुना गया था सेनापति, जो ये सारे सेनाओं का नेतृत्व करते। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं हम लोग इसे आगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे अगला पॉइंट, इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं और देखेंगे इससे आगे। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने परिवार के साथ एकत्र होके विद्रोह किया, तब हमारा झारखंड आज सुरक्षित है और आजाद हुआ ब्रिटिश शासनकाल से। तब आज हम लोग सुरक्षित हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। तो उसी सभा में सिद्धू ने करचन से बोला, कौन बोले थे? सिद्धू गर्जन से बोले थे, करो या मरो अंग्रेजों हमारी मिट्टी को छोड़ो, मारी मिट्टी छोड़ो छोड़ो। तो ये उसी सभा में स्वर जोर स्वर के साथ बोले थे, करो या मरो अंग्रेज जो हमारी मिट्टी छोड़ो। कौन बोले थे? तो हमारे बोले थे सिद्धू जी। तो चलिए इससे अब हम लोग अगला पॉइंट भेजते हैं। जब ऐसे हुआ यह विद्रोह बहुत तेजी से फैलने लगा और यह विद्रोह जल्द ही भागलपुर से वर्धमान तक फैल गया। कहाँ से? भागलपुर से वर्धमान तक फैल गया, वर्धमान तक फैल गया, मतलब स्त्री क्षेत्र में यह फैल गया, मतलब इतने यहाँ पे भागलपुर से वर्धमान तक जितने भी क्षेत्र थे उसमें यह विद्रोह पूरे क्षेत्र में फैल गया। उसके बाद यही सब देखते हुए अंग्रेज सरकार ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को
इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जल्द बोला। इनके खिलाफ सिद्धू कानू के खिलाफ, संथाल विद्रोह के खिलाफ इन लोगों ने बोला कड़ी सैनिकी कार्रवाई की। तो उसके बाद चांद और भैरव जब कार्रवाई होने लगी तो ये लोग पकड़े गए। जैसे जैसे सैनिक ढूंढने लगे पूरे क्षेत्र में तो ये लोग पकड़े गए थे। तो कब पकड़े गए थे? तो सबसे पहले पकड़ा गया था हमारा सिद्धू जी, पकड़े गए थे सिद्धू जी। कब पकड़े गए थे? तो हम ईस्वी में पकड़े गए थे और इनके खिलाफ भागलपुर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। उसके बाद इन्हें लगभग 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई थी। उसके बाद चांद और भैरव को बरहायत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। किसे? चांद और भैरव को, चांद और भैरव को अंग्रेजों ने बरहायत में गोली मार दी, को गोली मार दी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी लीजिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ दिया जाए आप लोगों को क्वेश्चन कि सिद्धू जी को कब फांसी दिया गया था, तो इसमें लिखा हुआ 5 दिसंबर 1855 ईस्वी में फांसी दिया गया था, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे कि किसी भी एग्जाम अगर प्रश्न आए तो उसका सोल्व आप लोग कर सके, सही आंसर दे सके। उसके बाद अंत में कौन पकड़े गए थे? अंत में पकड़े गए हमारे बच्चे भैरव जी, भैरव। तो इन्हें भी फांसी दे दिया गया था, इन्हें फांसी दिया गया था 23 फरवरी को। तो इन्हें फांसी कहाँ पे दिया गया था 23 फरवरी को? इन्हें दिया गया था फांसी भगनाडीह के ठाकुरबाड़ी में फांसी दिया गया था, भगनाडीह के ठाकुरबाड़ी में फांसी दिया गया था। उसके बाद ये विद्रोह खत्म होने लगा। इन्हें फांसी कब दिया गया था? इन्हें 23 फरवरी 1856 ईस्वी में फांसी दिया गया था, 1856 ईस्वी में फांसी दिया गया था। तो ऐसे ऐसे महान लोगों की वजह से ही आज हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं इनके रिलेटेड। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर प्रश्न, इसमें ही आंसर छिपा हुआ है। तो जैसे पूछा जाए कि सिद्धू कान्हू का पिता का नाम क्या था, तो सिद्धू कान्हू के पिता का नाम था चुन्नी मांझी, चुन्नी मांझी। और सिद्धू का पत्नी का नाम क्या था? जैसे अगर क्वेश्चन में आए कि सिद्धू जी का पत्नी का नाम क्या था,
उनके पत्नी का नाम था सुमी। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो सिद्धू कान्हू जिसे क्वेश्चन आ जाएगा, सिद्धू कान्हू का जन्म कब हुआ था? तो सिद्धू जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर आप लोग को 2 दिया हुआ रहेगा, तो सिद्धू कान्हू जी का जन्म हुआ था 1815 में, और कान्हू जी का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। ऐसे करके को ऑप्शन आएगा, तो सही ऑप्शन हमारे इसका आंसर होगा ही 1815, 1820 दोनों का जन्म हुए थे। और चलिए देखते हैं हम लोग कि संथाल विद्रोह का मुख्य नारा क्या था, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। छोड़ो यह था हमारा संथाल विद्रोह का मुख्य नारा। तो और चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। सिद्धू अपनी देवी शक्ति का हवाला देते हुए मांझियों को किस चीज का टहनी भेजा था? तो वे भेजे थे साल, मतलब सखुआ। साल को मतलब लोग ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में सखुआ कहा जाता है, तो साल वृक्ष की टहनी भेजे थे, टहनी को भेजे थे। तो बरहैत के लड़ाई में मतलब कौन लोग शहीद हो गए थे, कौन दो भाई थे जो शहीद हो गए थे? तो इन चारों में से हुए थे शहीद हो गए थे, तो चांद और भैरव शहीद हो गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। बस इतने प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड होंगे जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो आप लोगों को सभी प्रश्न का आंसर उसमें दिया जाएगा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आर के हॉटस्पॉट स्टडी सर्च करें, या इस चैनल आपको ये वीडियो के लिंक पे भी आपको दिया जाएगा वो वीडियो लोग सबका डिस्क्रिप्शन पे लिंक, जिसे आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो में चैनल में वीडियो अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।